हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 4th हिंदी में यूनिट नंबर 8 देखेंगे। आगे हमने 7 यूनिट तक देख लिया है, तो आज हम यूनिट 8 देखते हैं। तो यूनिट 8 में क्या है? फल, फूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सब फलों के चित्र है, दिखाई देते हैं। ये सब क्या है? फल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फल है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि किसका कौन सा फल है। तो पहला पिक्चर्स कौन सा है, पहला चित्र कौन सा है, इसे क्या बोलते हैं हम? आम। ये क्या है? आम है। आम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंगो। आपने आम देखा होगा और आपने खाया भी होगा। और ये दूसरा पिक्चर से केला। केला यानी बनाना, ये भी आपने खाया होगा। ये तीसरा पिक्चर कौन सा है? सेब। सेब यानी कि एप्पल। एप्पल भी आपने खाया होगा। ये कौन सा चित्र है देखिए? तो ये क्या है? अनार है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोमग्रेनेट। ये क्या है? अंगूर। अंगूर है। तो अंगूर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। और एक कौन सा चित्र है? नारंगी। तो नारंगी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज। और ये क्या है? मौसम्बी। तो इसे हम स्वीट लेमन बोलते हैं। और ये क्या है? अमरूद है। तो अमरूद को हम क्या बोलते हैं? कौवा। ये कौन सा चित्र है? चीकू। चीकू, चीकू को हम अंग्रेजी में चीकू ही बोलते हैं, हिंदी में भी चीकू बोलते हैं और अंग्रेजी में भी चीकू बोलते हैं। ये क्या है? जामुन है। जामुन को हम क्या बोलते हैं? रोज एप्पल। इसके बाद कौन सा चित्र है? पपीता। पपीता को हम क्या बोलते हैं? पपाया। इसके बाद कौन सा पिक्चर है? तरबूज। तो इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब जो पिक्चर्स देखे, ये सब क्या है? सब फलों के चित्र थे। तो मैंने आपको ये फलों के चित्र दिखाए, तो आपने ये सब फल आपने देखे ही होंगे और आपने खाए भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फलों के चित्र हैं और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये हिंदी लिखना है और इसके सामने उसका अंग्रेजी लिखना है। तो घर से ये सब आपको फील करना है। तो बच्चों, हमने टेक्स्ट बुक में जो फल के चित्र देखे, उसके अलावा और भी बहुत सारे फल होते हैं। जैसे कि एक है अनानस है, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल। तो आप तो इसे पहचान दे भी होगे, तो इसे क्या बोलते हैं? अनानस। एक क्या है फ्रेंड्स? लीची। शायद आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन ये भी एक फल है। ये क्या है? ये अंजीर है। अंजीर तो सबने देखा होगा, खाया भी होगा।
ए क्या है, नाशपाती यानी कि पियर, इसे हम क्या बोलते हैं, पियर। ये सभी फ्रूट्स ही है। ये क्या है, जुजुबी बेर, ये आपने खाए होंगे, खाए हैं ना सबने, बेर खाए हैं। ये क्या है, चेरी, इसे क्या बोलते हैं हम, चेरी। तो चेरी तो सब बच्चों को पसंद ही होती है, तो ये तो आपने देखी होगी ना। तो मैंने ये सारे फलों दिखाए, तो ये सब भी फल ही है। तो आपकी समझ में आ गया ना फ्रेंड्स कि ये सब फलों के नेम हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो फलों के नेम हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। और सब इस एक कौन सा पिक्चर से एक कौन सा फल है, इस फल को हम क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो सब आपको समझना भी है और सब तैयार भी करना है। और सबको आना भी चाहिए कि आम को, ये आम है तो आम को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंगो। ये नारंगी है तो नारंगी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑरेंज। तो ये सब आपको कभी भी पूछे तो, कोई भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं पीछे वाले पेज में, अब फूलों के नेम दिए गए, फूलों के नेम है और एक कौन सा फ्लावर्स है वो दिया गया है। तो फर्स्ट कौन सा चीज, कौन सा फूल है, फर्स्ट वाला कौन सा फूल है, गुलाब। तो गुलाब को तो आप सबने देखा ही होगा, यानी कि रोज को आपने देखा है ना। और दूसरा चित्र कौन सा है, कमल, कमल यानी कि लोटस। और तीसरा कौन सा है, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर। अब आगे कौन सा चित्र है, गेंदा, गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। एक कौन सा फूल है, गुड़हल, गुड़हल यानी कि सनफ्लावर। और ये क्या है, बेला, बेला यानी कि जास्मीन। ये क्या है, बेला है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जास्मीन। तो बच्चों ये भी आपको घर से अपनी नोटबुक में ये फूलों के नेम दिए गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। जैसे कि आगे फलों के नेम लिखूंगे ऐसे ही आपको इस फूलों के नेम लिख देने हैं। और आपको समझना है कि एक कौन सा फ्लावर फूल है, एक कौन सा फूल है और इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स हमने टेक्स्ट बुक में जो फ्लावर्स देखे वो इसके अलावा भी कई सारे फ्लावर्स हैं। तो मैं दिखाती हूँ ये सब क्या है, ये सब फ्लावर्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पहला कौन सा है, गुलाब, गुलाब यानी कि रोज, वो हमने टेक्स्ट बुक में देखा। दूसरा है गेंदा, गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड, वो भी हमने टेक्स्ट बुक में देखा। सनफ्लावर, सूरजमुखी, उसे हम क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, वो भी देखा। ये क्या है, लोटस, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कमल। और ये क्या है, गुड़हल, इसे हम हिबिस्कस भी बोलते हैं और शोई फ्लावर भी बोलते हैं। ये क्या है, पीला नरगिस, तो इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डफोडिल। और ये क्या है, कुमुदिनी, कुमुदिनी यानी कि लिली। ये क्या है, चमेली, चमेली यानी कि जास्मिन।
और ये जल कमल है तो हम इसे क्या बोलते हैं, वाटर लिली। ये क्या है, गुलबहार, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेसी। ये क्या है, बोगनविला। ये वेल आती है, इसे इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, तो इसे हम अंग्रेजी में भी बोगनविला ही बोलते हैं। डेलिया, तो इसे हम अंग्रेजी में डेहलिया ही बोलते हैं। ये क्या है, कुमुदिनी, कुमुदिनी है ना, अभी आगे हमने देखा ना, कुमुदिनी वही है। आइरिस, तो इसे हम अंग्रेजी में आइरिस ही बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसमें से कई सारे फ्लावर्स देखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये सब भी फ्लावर्स ही है। नलिनी, तो नलिनी को हम टूलिप बोलते हैं। ये सब ये सारे फ्लावर मैंने दिखाए, इसमें से आपने कई सारे फ्लावर्स देखे नहीं होंगे, आज ही देखे होंगे यहाँ पे मैंने दिखाए, तो ये सब भी फ्लावर्स ही है। तो बच्चों, आगे हम स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके अंग्रेजी नाम लिखिए। तो यहाँ पे हिंदी में जो नाम दिए गए हैं उसका अंग्रेजी नाम क्या है वो हमें इसके आगे लिखना है। तो मैंने ये सारी ब्लैंक्स भर दी है। तो आम पहला क्या है, आम है, तो आम को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो, तो ये मैंने लिख दिया है। तरबूज, तरबूज को हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन। जामुन, जामुन को हम क्या बोलते हैं, रोज एप्पल। चीकू, चीकू को हम क्या बोलते हैं, चीकू ही बोलते हैं। तो मैंने सब समझा दिया है आगे जो लेसन में था, तो आपको ये सारे समझ के लिख देने हैं। नीचे निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने उनके हिंदी नाम लिखिए। तो यहाँ पे अंग्रेजी नाम दिए गए हैं, तो इसके सामने हमें हिंदी नाम लिखने हैं, फूलों और फलों के हिंदी नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी में मैरीगोल्ड दिया गया है, तो मैरीगोल्ड को हम क्या बोलते हैं, गेंदा। यहाँ पे जास्मिन है, तो जास्मिन को हम बेला बोलते हैं। लोटस है, लोटस को हम कमल बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सारे फिल कर देने हैं, और आपको घर से ये सब टेक्स्ट बुक में फिल करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें क्या है, प्रत्येक चित्र के सामने उनका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखे। तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, इसमें यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं इसके सामने एक इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखना है, तो ब्लैंक भर देनी है। तो या ये कौन सा चित्र है, तो आप सब जानते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, सेब बोलते हैं। तो इसके सामने हमने सेब लिख दिया, यहाँ से कोष्टक में से चुनकर लिखना है। तो ये सारी ब्लैंक्स मैंने भर दी है, आपको सब समझना है, और आपको भी ये घर से टेक्स्ट बुक में फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने फल और फूलों के बारे फलों और फूलों के बारे में समझा दिया है, तो आपने सब समझ लिया होगा। थैंक यू।